मिल जाएगा। टीम एक्सो के चारों खिलाड़ी सर्वाइव कर रहे हैं टीम हैदराबाद हाइड्रास एक पुश करते हुए। एंड इस सबके बीच सोल की वापसी हो रही है, इस सबके बीच सब सोल को भूल ही गए, उसका पूरा फायदा उनको मिलने वाला है। हैदराबाद हाइड्रास कैरी जाते हुए उन्होंने एक ही पल में एक्सो के दो प्लेयर्स डाउन किए, एक का कंफर्मेशन निकाला, पंख भी डाउन है, बाकी के दो प्लेयर स्पॉट करने की कोशिश थी। ग्रेनेड बहुत ज्यादा करीब कैरी यहां पर रहे हैं, लकी स्ट्राइकर वहां पर पंख को करेंगे कंफर्म, अभी बाकी प्लेयर्स को स्पॉट करने की कोशिश करते हुए 13 फिनिशेस ऑलरेडी इनके पास बच चुके हैं, 3 प्लेयर्स अभी भी बचे हुए हैं। यहां पर एक्सो के प्लेयर को रिवाइव जरूर मिला, पर कितने तक लाइव रहेंगे उसको बड़ा सवाल रहा है। सेंसे वहां पर नॉक निकालते हुए मॉडल अभी लाइव है, ड्रॉप शॉट आता हुआ कैरी की तरफ से, उन्होंने किया प्लेयर को डाउन, सेंसे की हेल्थ बहुत ज्यादा कम बची हुई, डॉट एचपी पे सर्वाइव करते हुए क्या यहां पर सेंसे गेम बदलेंगे, क्या यहां पर थर्ड पार्टी आने वाला है सोल का, बड़ा सवाल रहने वाला है। सेंसे के हाथ में M762 कैरी स्पॉटेड है, बट क्यों ये मॉली आता है एंड बिल्कुल पिच परफेक्ट मॉली एंड सेंसे हो गए खत्म। 1v2 का सिचुएशन, 2v2 का सिचुएशन अभी के लिए, बट रिवाइवल जैसे ही हो जाएगा 3v2 का सिचुएशन होगा, बट वीरू वो ये चीज होने नहीं देंगे, उन्होंने कैरी को किया डाउन, बट जोन के बाहर है, जोन को करेगा पुश, अभी भी ओपन में है, बट स्ट्राइकर उसका फायदा नहीं उठा पाए, 2v2 का सिचुएशन है, वीरू डाउन एंड कंफर्म, रेगल्टो सोल की आखिरी उम्मीद क्या यहां पर खरी उतरेगी, उम्मीदों का पहाड़ यहाँ पर एगल्टोस पे टूटने वाला है। बट अगर हम बात करें हैदराबाद हाइड्रास की, फिर से 3 मैन स्टैंडिंग हो सकते हैं मे बी। बिल्कुल यहाँ पे 1v3 का सिचुएशन है, एगल्टोस ओपन में आते रहते लेकिन अलाउ किया नहीं जाएगा, टीम हैदराबाद हाइड्रास यहाँ पर लेकर के जाएगी।